सब जो बाहों में करार है प्रभु का शुक्राना, सांसों में है नशा खुमार है प्रभु का शुक्राना, यूही अब मेरा दीन ईमान है प्रभु का शुक्राना, मेरा कलमा चलिए कॉर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेट पे के को लगाएंगे, उसके रिस्पेक्ट में कॉर्ड्स बताऊंगा मैं। तो जो पहला कॉर्ड है वो है ए माइनर, ए माइनर, उसके बाद है एफ मेजर, एफ मेजर, उसके बाद है जी मेजर, जी मेजर, देन सी मेजर, सी मेजर, ई मेजर, ई मेजर एंड ई माइनर के साथ में ई माइनर, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, सी मेजर, ई मेजर एंड ई माइनर, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं रिदम की तरफ। जो मैंने इसमें रिदम यूज की है वो सिर्फ डाउन डाउन एंड स्ट्रोक है, आसान रहेगा जो बिगनर्स है उनके लिए भी, ठीक है। और ये अच्छा भी साउंड कर रहा है, तो अब सिर्फ इसको डाउन 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 डाउन, ठीक है। तो इसमें कुछ डाउन अप, डाउन अप नहीं करना है, सिर्फ करना है। अदरवाइज अगर कोई और रिदम यूज करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रेशन की तरफ। जो पहली पैराग्राफ की प्रोग्रेशन है वो है ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर एंड ई माइनर, ठीक है। तो यही सेम प्रोग्रेशन नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए भी यूज होगी। तो ये कुछ इस तरीके से है, एफ मेजर, जी में जरा ससों में ई माइनर, आखिरी में वापस ए माइनर पे आएंगे, क्योंकि हमें फिर से सेम प्रोग्रेशन रिपीट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, तू अब मेरा दिल है ईमान है रब का शुक्राना, मेरा करुणा है तू अहसान है, ई माइनर वापस ए माइनर। तो इस पूरे गाने को हम पूरे पैराग्राफ एक बार फिर से प्ले करके देख लेते हैं। तो आई समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट लाइन की प्रोग्रेशन है वो है ए माइनर, एफ मेजर, सी मेजर, उसके बाद है जी मेजर एंड ई मेजर एंड ए माइनर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है, एफ मेजर, अब सी मेजर, जी मेजर, ठीक है। तो ए माइनर, एफ मेजर, सी मेजर, जी मेजर, ई मेजर एंड ए माइनर। अब जो नेक्स्ट लाइन की प्रोग्रेशन है वो है ए माइनर, एफ मेजर, सी मेजर, जी मेजर, ई मेजर, ए माइनर, लास्ट में जी मेजर ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है। जी मेजर पे आना है।
इसके बाद वापस हमें जो इंट्रो था वही सेम प्रोग्रेशन हमें रिपीट करनी है, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर एंड ई माइनर। ये एग्जैक्टली सेम मेलोडी भी है, तो समझ में आ गया हो, क्योंकि इसके बाद का जो वर्स है सेकंड वर्स एग्जैक्टली सेम पहले वर्स की तरह है, उसमें कोई कुछ भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ वर्ड्स चेंज है, मेलोडी सेम है, तो आप सेम जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है उसको यूज कर सकते हैं। और आई होप ये लेसन आपको अच्छा लगा हो, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।